पंडित सुरेश भाई शास्त्री गुरु जी एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरु जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वह है वशीकरण के प्रभाव को कैसे खत्म किया जाए। यदि आप किसी को प्यार करते हैं और उसके ऊपर किसी थर्ड पर्सन ने या उसके माता पिता ने वशीकरण क्रिया कराकर आप दोनों को अलग कर दिया है, तो वह वशीकरण के प्रभाव को किस प्रकार से नष्ट किया जा सकता है, यह सरल उपाय आज तक कोई नहीं जानता है। यह सबसे सरल प्रभाव जो किसी भी प्रभावशाली भयंकर से भयंकर वशीकरण को काट सकता है, उसके लिए दोस्तों आपको जो चीज की जरूरत पड़ेगी वह है एक सूखा हुआ नींबू। लगभग 5 दिन पुराना सूखा हुआ नींबू किसी टिफिन में या किसी बंद बोतल में उस नींबू को रख दीजिए, और उसके ऊपर रखने से पहले जिस व्यक्ति को वश में किया है उन दोनों को अलग करने के लिए पहले जिसके ऊपर वशीकरण किया है उसका नाम और क्रॉस लगाएंगे, जिसने वशीकरण किया है दोनों का नाम, जिसके ऊपर प्रभाव किया है, जैसे राधा के ऊपर राजेश ने वशीकरण कर दिया है तो क्रॉस लगा दिया है, और आपको एक टिफिन में स्टील के बर्तन में 5 दिन तक इस नींबू को रखना पड़ेगा जब तक ये सूख नहीं जाता पूरी तरह से। सूखने के बाद में दोस्तों इस नींबू को आप ले लीजिए और 108 दाने काली मिर्च के ले लीजिए। दोस्तों, ये प्रभावशाली टोटका सबसे शक्तिशाली वशीकरण को खत्म करने का है। अगर दो प्रेमियों को किसी ने वश में करके अलग कर दिया है, सच्चे प्यार को अलग कर दिया है, तो ये टोटका आप आजमा के देखिए दोस्तों, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। फिर दोस्तों आपको लेनी है 108 कपूर की टिकिया। ध्यान से देखिए दोस्तों, 108 कपूर की टिकिया और 108 दाने लेने हैं आपको गुंजा की। इसे बोलते हैं दोस्तों गुंजा। एक ही कलर की होनी चाहिए, लाल कलर की। वैसे तो गुंजा 3-4 कलर की आती हैं, काली, सफ़ेद और एकदम काली, और ये डबल कलर की, आगे कुछ काला और पीछे केसरिया सिंदूर कलर लगा हुआ। 108 गुंजा गिन के लेनी है आपको। ये दोस्तों ये टोटका, ये प्रभाव सबसे शक्तिशाली वशीकरण को नष्ट करने का है। वैसे तो मैं बताता ना नहीं हूँ, क्योंकि वशीकरण करना ही इतना मुश्किल है और तोड़ना उससे भी डबल पावरफुल होता है। तोड़ने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है। वशीकरण होता नहीं है, और अगर हो जाता है तो उसके प्रभाव को खत्म करना बहुत ही मुश्किल रहता है। इस प्रकार से दोस्तों 3 आइटम लेनी है आपको, गुंजा 108 कपूर की टिकिया लेनी है और 108 मस्कट काली मिर्च लेनी है। इन सबको, और फिर आप नींबू ले लीजिए अपने लेफ्ट हैंड में और एक धूप या दीप अगरबत्ती जला लीजिए। और दोस्तों ये प्रयोग आपको करना है वो है रविवार के दिन या मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन। ये 3 बार के दिन आप ये प्रयोग आप कर सकते हैं। दोस्तों 5 दिन पहले इस नींबू को तैयार कर लीजिए। फिर दोस्तों इस मंत्र से 108 मंत्र बोलिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम अमुक, जिसके ऊपर वशीकरण हुआ है, वशीकरण प्रभाव भंजय भंजय ओम फट स्वाहा। दोस्तों एक बार फिर से मंत्र देख लीजिए। ये मंत्र इस प्रकार से है, ओम क्राम क्रीम क्रोम अमुक, जिसके ऊपर भी वशीकरण के प्रभाव को खत्म करना है उसका नाम लिख लीजिए, लड़का हो या लड़की हो। और फिर वशीकरण प्रभाव भंजय भंजय, यानी नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना वशीकरण के प्रभाव को, प्रभाव भंजय भंजय ओम फट स्वाहा। इस प्रकार से दोस्तों ये आप सब चीजें लेकर, फिर दोस्तों ये क्रिया जो आप करेंगे शनिवार मंगलवार और रविवार, ये 3, इसके लिए कड़क वार चाहिए, सोमवार नहीं, कड़क वार चाहिए। फिर इन चीजों को सबको लेके आपको दोस्तों जहाँ पर भी शमशान हो, जिस प्रकार से अभी मैं ये साधना भाई के लिए करने जा रहा हूँ शमशान में,
तो दोस्तों इस प्रकार से आपको लेके फिर आपको ये क्रिया शनिवार, मंगलवार और रविवार को दिन में किसी भी समय आप ये कर सकते हैं दिन भर में। फिर आपको रात्रि को लगभग 8 बजे से 12 बजे के बीच में जब चिता जल रही हो, तब उस चिता में किस प्रकार से वापस 108 मंत्र बोलकर किस प्रकार से जलाएंगे, मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ तो दोस्तों, फिर इस मंत्र को जो मैंने बताया था, उस मंत्र को बोल के ये जलती चिता है, इस चिता के अंदर आपको उस भगवान माता का नाम लेके कामक्य के इस प्रभाव वशीकरण के प्रभाव को खत्म करें और फिर इन सब चीज़ों को एक साथ में जलती चिता में डाल देना है और 108 बार ओम दह दह हन हन स्वाहा, ओम दह दह हन हन स्वाहा, ओम दह दह हन हन स्वाहा, इस प्रकार से 108 मंत्र बोल के फिर वापस आपको घर पे आना है। आप कुछ देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, 2 दिन में या 3 दिन में उसके वशीकरण का जो भी शक्तिशाली प्रभाव है सब खत्म हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों यह इस प्रकार से यदि हमारा ये वशीकरण का प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वशीकरण के प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं और भी आपको अच्छे से अच्छे प्रोग्राम दिखा सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।